हम फाइव टू टेन मिनट्स का वेट कर लेते हैं बिकॉज क्या होगा कि कोई व्यक्ति फिर बीच में आएगा अगर हमने एक बार ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट की तो उस केस के अंदर वो उसका माइक ऑन हुआ तो हम लोग डिस्टर्ब होंगे या फिर हम उनको एंट्री ना दें पंद्रह मिनट के बाद हमें कुछ इस तरीके का डिसीजन लेना होगा तो सर रूल इज रूल है मतलब संतुल मतलब वो होना चाहिए थोड़ा डिसिप्लिन तो यस यस सर ऐसा होता है सर जब परिवर्तन की शुरुआत होती है ना तो धीरे धीरे डिसिप्लिन के लिए टीच किया जाता है मतलब तो अगर परिवर्तन की सर, शुरुआत में ही अगर हम सारा रूल डालेंगे ना तो फिर कुछ लोग दूर से ही भाग जाएंगे दस मिनट वेट कर सकते हैं दस मिनट का वेट कर, सर, दो कर, दो सकते, दो कर दो सकते हैं। वेट कर रखे हाँ जी सर नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार बताइए सर एक बात रखना चाहते हैं रखिए सर रखिए जो आज की जो समय है ना वो अचानक से हो गया इसी वजह से सबकी तालमेल में थोड़ा दिक्कतें हो रही है और फिर तो ऐसे कोई बात नहीं है बाकी हम भी ऐसे फंस गए आज हम सोचे थे कल की आपकी ऑडियो को फिर से देखे तो हम एकदम ही नहीं देख पाए बाकी जैसे तैसे नहाकर आकर अभी जस्ट पहले से होस्ट करके रखे हुए थे कोई बात नहीं जी बहुत आपका

प्रैक्टिस करेंगे करेंगे और शाम yes. को फॉरगिवनेस तो नहीं नहीं अच्छा। yes. जो भी विचार नहीं रखे थे कल मैंने सोचा चलो मैं खुद ही एडजस्ट करता हूँ जो कि मैं दो बजे के बाद जा रहा हूँ मेरा रिलेटिव के घर पूजा भी हो रही थी कंटिन्यू तो बुला रहे थे सुबह से ही अपने को हाँ जी प्लीज सर आ, सर अभी तुमने जो बोला अभी डिसिप्लिन का जो अभी तो उसमें जो है अभी अभी हमारे जो स्टाफ लोग रहते हैं हॉस्पिटल के स्टाफ रहते हैं तो उनको भी हम बोलते रहते कि डिसिप्लिन में आओ डिसिप्लिन में आओ फिर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते तो उसके लिए कैसा क्या कर सकते हैं परिवर्तन तुम बोले अभी धीरे-धीरे परिवर्तन हो सकता है अभी एक महीने से दो महीने से कंटिन्यू साल से हो, हमारे लीडर मतलब आप उनके अंदर अगर ये क्रिएट कर दो कि वो लोग डिसिप्लिन यूज करें तो आपकी लीडरशिप मतलब मानी जाएगी लीडर वो होता है जो लीडरशिप को क्रिएट करता है आगे लीडर वो नहीं होता जो स्टेज पे खड़ा होके मतलब भाषण दे या जो बॉस है या कोई भी व्यक्ति वो लीडर नहीं होता लीडर वो होता है जो अपने अंदर से अपने जैसे हजार क्रिएट करते तो आप डिसिप्लिन रहिए आपको देख देख के ही वो लोग सीखने लग जाएंगे और आप उनके अंदर ऐसा कुछ इगर क्रिएट कीजिए जिसकी वजह से कि वो लोग अपने आप ही डिसिप्लिन आ जाए ओके थैंक थैंक यू जी थैंक यू जी सर नमस्ते सर नमस्ते मतलब उनके अंदर ऐसी भूख डालिए ऐसी भूख डालिए कि उनको खुद लगे कि अगर क्ला, मेरा ऑफिस बजे का है तो मैं पे ऑफिस के बाहर खड़ा सर इंसान खुद भी तो बदलना चाहे उसके उसके लिए थोड़ा सा जिज्ञासा भी होनी चाहिए ना सर बदलने की एक्चुअली क्या होता है जीवन में सबसे आसान काम है हमारा खुद को एक्सक्यूज देना और सबसे मुश्किल काम है एक्सेप्ट कर लेना कि कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप में भी प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है जी मैंने भी साठ साठ सत्तर सत्तर लोगों की टीम हैंडल की है मतलब लाइन से लगे होते थे लोग सुबह आधा घंटा पहले एक घंटा पहले ऑफिस के अंदर और वही लोग पहले ग्यारह बजे आते थे दस बजे आते थे ऑफिस के अंदर साढ़े दस बजे आते थे इसमें होता कुछ नहीं है सिर्फ आपको आपको उनकी जो चीजें है मान लो कोई टाइम पे आ रहा है तो आप घड़ी देख के स्माइल कर देते हो आप उसको रिवॉर्ड भी तो नहीं देते पनिशमेंट देने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं रिवॉर्ड देने के लिए हम कभी तैयार नहीं रहते ये प्रॉब्लम है अगर कोई व्यक्ति टाइम पे आ रहा है आप उसको दस व्यक्तियों के सामने रिवॉर्ड दे दो तो बाकी नौ को भी भूख लग जाएगी उस रिवॉर्ड की फिर वो बाकी नौ लोग भी उस रिवॉर्ड के चक्कर में टाइम पे आना शुरू करेंगे आपके पास राइट राइट सर राइट हाँ जी तो ये हमें डिसाइड करना होता है एक्चुअल में कि हमें किस तरीके से सामने वाले को मतलब डिपेंड uh, करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो किस मेंटेलिटी uh, के हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड जो भी होते हैं दोनों चीजें लेकिन रिवॉर्ड अपना काम करता है सौ की ट्रॉफी वो काम कर सकती है जो आपके किसी मोटिवेशनल स्पीकर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन बुला लो उससे रोज लेक्चर करवा लो वो काम नहीं करेगा एक ट्रॉफी अगर आपने बीस आदमियों को दे दी और तालियां उसके सामने दस लोगों ने बजा दी तो वो वो काम कर जाएगी जो कोई दूसरा नहीं कर पाएगा नमस्ते मैं चॉकलेट भी कर सकती है सर ये काम है ना नॉक रिवॉर्ड मतलब ब्रेन को प्लेजर मिलता है ना सर रिवॉर्ड से अगर उसको ट्रॉफी मिलेगी वो बीस लोगों को दिखाएगा उसके घर में भी पड़ी रहेगी उसके बच्चे भी देखेंगे घर में जाके. तो वो जो काम होगा, वो तो मतलब कोई दूसरा कर ही नहीं सकता वो काम तो नमस्कार जी बहुत अच्छा सर जी धन्यवाद <laughs> जी सर नमस्कार नमस्कार जी सर एक बात कहना आपसे प्लीज सर प्लीज सर पहले तो माफी चाहूंगा कि दो तीन दिन से मैं आपको लाइव नहीं सुन सका सर क्या अभी नवरात्रि चल रहे तो मैं अभी मैं राजस्थान से जालोर से हूँ जी थोड़ा सर वो क्या मारवाड़ी भजन गायक भी हो तो कार्यक्रम चलते रहते हैं जी जी तो सर आपको लाइव नहीं सुन सका रात भी आपको नहीं सुन सका तो मुझे भी ठीक से पता नहीं कि अभी आप क्या करवाने जा रहे हैं मुझे सिर्फ इतना पता चला कि आज 12 बजे आप लाइव हैं। सर आज हम करने जा रहे हैं एक अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए अफर्मेशन से एक स्पेशल प्रोग्रामिंग जिसके अंदर पैसा सक्सेस ये सारी चीजें लगोगी इस बार आज हम ईश्वर से मांग रहे हैं अपने लिए हेल्दी माइंड और हेल्दी सोल अपने सोल को हेल्दी करने के लिए हम फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे और क्या नाम है हम आध्यात्मिक अध्यात्मिक अपने माइंड में प्रोग्राम करेंगे सेल्फ हिप्नोसिस की स्टेट के अंदर फिर जिसकी अध्यात्म की भूख है वो अध्यात्म वाली वो सुन लिया करेगा अपरमिशंस जिसकी पैसे की है तो एक दिन पैसे की कर देंगे खाली जिसकी जिस चीज की भूख होगी वो उसके अकॉर्डिंग मतलब सुन लिया करेगा अपरमिशंस बट मैं आप लोगों को एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो भी आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपरमेश करते हैं ठीक है इस अपर के दौरान आपको नींद ज्यादा आती है आध्यात्मिक उन्नति की टाइम पे और फॉरगिवनेस के टाइम पे हमें नींद एस कंपेयर अदर हमेशा ज्यादा आती है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप सीधा अपने आप को ब्रह्मांड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो काम होता है हमारे पीनियल ग्लैंड का और आपका पीनियल ग्लैंड बहुत सक्रिय रूप में आपके साथ जुड़ जाता है बहुत ही सक्रिय रूप में वो आपके साथ जुड़ जाता है और सक्रिय रूप के अंदर ही वो आपके साथ काम करना शुरू करता है मतलब और जितनी आ, स्पीड पे आपको इस अफर्मेशन में सक्सेस मिलने वाली है ना आध्यात्मिक उन्नति में मतलब जिन लोगों को भी आध्यात्मिक उन्नति की एक क्रियोसिटी है कि हमें अध्यात्म में आगे जाना है अपनी हीलिंग पावर्स बढ़वानी बढ़ानी है अपनी साइकिक पावर्स बढ़ानी है इन चीजों में आगे जाना है उन व्यक्तियों के लिए एक ये खुशखबरी है कि सबसे ज्यादा काम करती है यह सबसे ज्यादा काम करती है और यह अपर इतना साइलेंटली आपकी बॉडी के अंदर उतर जाती है इतना साइलेंटली उतर जाती है कि जब आप 20 लोगों के बीच में बैठे हो ना कहीं दस लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन चल रही होगी तब आपको पता लगेगा कि आप उनसे कितने अलग हो चुके हो आप उनसे कितने अलग हो चुके हो तो जो अपरमेशन में खुद के लिए मैंने बनाई हुई है वही सेम अपरमेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ मैं कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग है मेरे लिए अलग है बिल्कुल सेम सेम देने वाला हूँ अफर्मेशन जो है ठीक है जी दो मिनट के लिए मैं आपको कुछ एक राम और रावण का आज दिन है मतलब राव आज दशहरा है तो उसके ऊपर बताना चाहूंगा कि अपने मन में कभी भी आप लोग रावण को लेके कोई बुरी सोच मत रखा कीजिए क्योंकि मैंने आज ग्रुप में कुछ मैसेज पढ़े जिसमें क्रोध लोभ माया सब कुछ तो रावण के हिस्से में डाल दिया धर्म और शक्तियां सारी राम के हिस्से में डाल रखी हैं लोगों ने कोटेशन के अंदर अपने और मैसेजेस में भी लोग ऐसा लिख रहे हैं जिन लोगों ने रावण संहिता नहीं पढ़ी है वो रावण के करेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं असल में सतयुग का सबसे इंटेलिजेंट आदमी मतलब सतयुग जब चल रहा था उस दौरान का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति रावण था ठीक है जी जिसके धर्म कर्म के सामने जिसके धर्म कर्म के सामने कोई भी व्यक्ति का कद छोटा पड़ सकता था जिसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तपस्या के अंदर बिता दी ठीक है जी आधी से ज्यादा जिंदगी उस व्यक्ति ने अपनी तपस्या के लिए तपस्या में बिता दी अगर बात बात मंत्र की हो या बात मेडिटेशन की हो हो या मेडिटेशन तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि शिव को अपने कंधों पे बिठा के ले आया था पूरी मतलब जब से यूनि ब्रह्मांड है तब से आज तक शिव को सबसे बड़ी ताकत माना गया है शिव को भी अपने कंधों पर जो कैलाश से उठा के ले आया था तो समझो उसके अंदर कुछ तो दम होगा उस व्यक्ति के अंदर कुछ तो अध्यात्म उसने कमाया होगा अपनी लाइफ के अंदर ठीक है जी जिसकी तारीफ ना सिर्फ देवगुरु शुक्राचार्य करते थे बल्कि उनकी तारीफ गुरु बृहस्पति भी इंद्र को समझाते थे कि ये रावण है अगर इससे सीख सकते हो तो कुछ सीख लो अदरवाइज इसके सामने मत खड़े होना ठीक है जी तो वो एक बहुत जबरदस्त कैरेक्टर था इतिहास का बाकी होता क्या है कि जब युद्ध होते हैं ना दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है जो जीतता है वो अपने हिसाब से हिस्ट्री को लिखवाता है ठीक है जी अगर रावण शिव का धनुष उठा सकता था सीता के स्वयंबर में तो उसके साथ पहले छल किया गया था और उसने सबको फॉरगिव कर दिया था वो चला गया था वहां से फिर जब उसके भाइयों को बिना किसी मतलब उसके भाइयों को मारा गया तब भी वो व्यक्ति शांत था उसने किसी को कुछ नहीं कहा फिर जब क्या नाम है उसके दोस्त को को, मारा गया, तब भी वो व्यक्ति शांत रहा बाली को, उसने किसी को कुछ नहीं कहा बट जब कोई व्यक्ति संसार की समस्त शक्तियों को लेके बैठा है तीनों लोकों में विजय पा सकता है और उसकी बहन की अगर कोई नाक काट देगा उस टाइम पे ठीक है तो वो व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर अपनी शक्तियों का क्या करेगा जब वो अपनी इस मोमेंट पे भी अगर वो चुप बैठेगा तो तब उसने जो कर्म किया था उसने एक अपनी जो मर्यादा बनाई बताई थी वो सबसे बड़ी मर्यादा थी कि सीता को उठा के ले गया था लेकिन उसने कभी सीता को हाथ नहीं लगाया था वो सीता को उठा के ले गया था कभी हाथ नहीं लगाया था और उसको पता था कि अंजाम क्या होना है फिर भी उसने ये लड़ाई सिर्फ वार्चस्व के लिए लड़ी थी कि अगर इतनी सारी शक्तियां और इतना सब कुछ होने के बाद आपने आप तब भी चुप बैठे रहोगे तो फिर आप न, मतलब किसी काम के नहीं हो और रावण संहिता में राम ने लिखा है कि हे राम अगर आप भगवान थे तो आपने मेरी बहन को माफ क्यों नहीं कर दिया था अगर मेरी बहन ने कोई गलती की थी तो आपने उसको माफ क्यों नहीं कर दिया था मैंने अपनी मर्यादा निभाई थी आपके साथ तो रावण को एक बुराई की तरह मतलब मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूँ रावण की तारीफ नहीं कर रहा हूँ इतना कहना चाहता हूँ कि सतयुग में जिनको बुरा कहा जाता है वो भी बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति वाले लोग थे हम जो उनसे सीख सकते हैं हमें वो सीखना चाहिए और अगर रावण में शक्ति ना होती तो रावण कब का मर चुका होता है हमें हर साल उसको जलाना ना पड़ता मतलब हम हर साल उसको जलाने जाते हैं ना अभी वो आज जला के आएंगे कल फिर दशहरे की डेट आ जाएगी कैलेंडर में ठीक है हर साल हम उसको जलाने जाते हैं लेकिन वो कभी मरता नहीं है हमारे ना हमारे अंदर से और ना बाहर से कहीं से भी वो मरता नहीं है तो उसमें कोई तो शक्ति है तो जिन लोगों ने रावण संहिता कभी नहीं पढ़ी तो वो कृपया करके उसको एक बार जरूर पढ़िएगा बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा कुछ उसमें सीखने के लिए ही इज ए मैन ऑफ फॉरगिवनेस उसके अंदर बहुत फॉरगिवनेस थी बहुत ग्रेटिट्यूड था और उसकी जो एरिया था मतलब से एरिया लंका जो भी था सबसे समृद्ध सबसे समृद्ध सोने की लंका बोला जाता है ना उसको मतलब सबसे समृद्ध थी कोई एक व्यक्ति भी वहां पे दुखी नहीं था तो उसके लीडरशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी वीकेंड से रावण की तो मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए बताई हैं कि जब शाम को आप दशहरा देखने जाओ तो रावण को फॉरगिव करने में आपको आसानी हो रावण को फॉरगिव करने में आसानी हो और रावण मतलब वो है जिसकी वजह से आज हमारे पास शक्तिपीठ जैसी चीजें हैं आप भारत की ही बात करते हो जितने भी शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग्स है उसके पीछे का कारण भी रावण है अगर आप रावण संहिता पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ठीक है जी जिसने जीते जी शिव को पा लिया हो उससे कुछ तो हमें सीखने को मिलेगा अब उसकी बुराई के बारे में हम बात नहीं करेंगे जो था वो इतिहास पे हम पढ़ते आए हैं लेकिन हमें उसकी अच्छाइयों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए रावण की अच्छाइयों से हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के अंदर सीखना चाहिए क्योंकि जब आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं ना हम लोग तो वो वो व्यक्ति है जिसने शिव को पा लिया था मतलब बहुत बड़ी बात है ये कि जिसने अपने कंधों पे शिव को बिठा लिया था ठीक है जी तो आध्यात्मिक उन्नति में मेरे हिसाब से उससे बड़ा आदमी कोई हुआ नहीं अभी तक अगर आप बात करो चाहे वो तंत्र मंत्र की बात हो किसी सिद्धि की बात हो पावर की बात हो किसी भी चीज की बात हो तो उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन इन चीजों के अंदर लगाया है तो जब आप पढ़ोगे कभी रावण संहिता तो आपको समझ में आएगा उसकी पर्सनैलिटी के बारे में क्योंकि आज तक हमने एक ही चैप्टर पढ़ा है रामायण का ठीक है हमने दूसरा चैप्टर कभी खोल के देखा नहीं है दूसरा चैप्टर जब आप खोल के देखोगे उसमें रावण के भी तर्क लिखे हुए हैं रावण ने ऐसा क्यों मैंने ऐसा क्यों किया उसने इस बात के पीछे अपने एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं रावण ने सारे के सारे चलिए जी सेशन की शुरुआत करते हैं किसी ने लिखा है रावण मोस्ट इंटेलिजेंट थे और उनको मालूम था कि राम के हाथों उनका उद्धार होना है यह उनका उद्देश्य था बिल्कुल सही है जी उन्होंने बहुत प्लान की थी सारी चीजें अपनी लाइफ के अंदर ओके जी स्टार्ट करते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम अपना आज का सेशन ठीक है जी आध्यात्मिक उन्नति होती क्या है पहले हम ये समझेंगे अब कोई भी व्यक्ति रेकी हीलर है वास्तुशास्त्र करता है या किसी भी प्रकार के अध्यात्म से जुड़ा हुआ है या बिगनर है मेडिटेशन अपनी जिंदगी के अंदर करना चाहता है तो हम सब ह्यूमन है ह्यूमन को ना एक चीज की बहुत भूख होती है भूख किस चीज की होती है हमें कि जो भी मैं करने जा रहा हूं ना मुझे या तो उसका परिणाम पता होना चाहिए क्या रिजल्ट आएगा उसका या फिर मैं रिजल्ट को महसूस कर पाऊं अगर कोई ऐसी चीज आपको बताई जाए जिसका रिजल्ट नहीं आएगा आप उस चीज को नहीं करेंगे आप उस चीज को नहीं करेंगे यही चीज हमें पशुओं से अलग करती है यही चीज हमें पशुओं से अलग करती है हम परिणाम की चिंता करते हैं हर चीज के अंदर जब आप पहले तो एक चीज बिल्कुल क्लियर डिसाइड है कि जो भी जो भी काम आप कर रहे हो जो भी काम आप लोग कर रहे हो लाइक रेकी कर रहे हो वास्तु कर रहे हो कोई स्पिरिचुअल क्लास ले रहे हो किसी गुरु को फॉलो करते हो तो उसके पीछे ईश्वर की एक इच्छा तो जरूर है कि उसने आपको भीड़ से अलग किया है उसने आपको भीड़ से अलग किया है भीड़ से क्यों अलग किया है क्योंकि वो आपको ये ज्ञान देना चाहता है ठीक है वो चाहता है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति पहले तो हमें इस बात पर बिलीव करना है कि हमारी हम आध्यात्मिक उन्नति की कोई भी काम से रिलेटेड कोई भी काम अपनी लाइफ में तभी कर पाते हैं जब ईश्वर हमारी उन्नति चाहता है तो इसमें आपको ये मान के चलना है कि आपका जो यू आर ए ब्लेस चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स इसी वजह से ईश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना है ठीक है जी और दूसरी चीज बहुत इम्पोर्टेंट कि ये जब आप आध्यात्मिक उन्नति में जाते हो तो उसमें ना आपकी बॉडी से कोई उसका लेना देना नहीं होता आध्यात्मिक उन्नति का आध्यात्मिक उन्नति शब्द का मतलब है सोल की पावर को बढ़ाना अपनी आत्मा की ग्रोथ को करना अब सोल की पावर कैसे बढ़ती है सोल की पावर बढ़ती है अ, मिट बॉडी में रह के सोल कमजोर होती है कैसे कमजोर होती है कि काम क्रोध मोह माया जैसी चीजें जो हैं हम इन सब चीजों के बीच में पड़े रहते हैं मिट बॉडी को भोगने के लिए ठीक है जी बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोल की पावर जब हम सोल की पावर की बात करते हैं तो सोल की तरफ हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस वक्त पे हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटती है जो कि हमें इन सब चीजों से मुक्त करती है मीट बॉडी में रहते हुए काम क्रोध मोह माया इन सब चीजों से हमें मुक्त करती है अब मुक्ति कैसे होती है हमारी इन सब चीजों से आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं चाहे वो एज के लास्ट पड़ाव पे हैं या वो बिगिनर्स हैं कुछ तो मैंने देखे बारह बारह तेरह तेरह साल के बच्चे बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं आध्यात्मिक हो जाते हैं तो जब आप उस कंडीशन पे पहुंचते हो तो आपके ना डिजायर्स कम होने लग जाती हैं आपकी डिजायर्स जो हैं वो कम होने लग जाती हैं लाइक like, अगर मेरा एग्जाम्पल हो तो आज से कुछ साल पहले पैसा कमाना अमीर बनना जीवन का एक मकसद मतलब इस तरीके से कि बस पैसा होना चाहिए बस पैसा होना चाहिए बस पैसा होना चाहिए ये थी थी। आज की डेट में पैसा चारों तरफ है पैसा चारों तरफ है लेकिन पैसे की भूख नहीं है ठीक है आज पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन पैसे की कोई भूख भी नहीं है पहले होता था कि ये डालो ये पहनो ये खरीदो ये होना चाहिए मेरे पास वो होना चाहिए लग्जरी आज सब कुछ है लेकिन भूख नहीं है उस चीज की भूख नहीं है तो अध्यात्म आपकी ना ये सारी डिजायर्स जो हैं उसको क्लोज करता है आपको सात्विक बना देता है सात्विक मतलब आपका जो सोल है ना वो पावरफुल होता है और सोल क्या रोल प्ले करता है आपके साथ सोल ये रोल प्ले करता है कि वो आपकी माफ करने की शक्ति को बढ़ाता है वो आपके हाथों से लोगों का भला करवाता है सोल आपके हाथों से जब आप एक पावरफुल सोल बनते हो तो आपकी सोल जो है दूसरों का भला ऑटोमेटिक करने लग जाएगी और आपका कनेक्शन कुछ ऐसे लोगों के साथ होगा मतलब आपका कनेक्शन कुछ ऐसे लोगों के साथ होगा जो रियल नीडी है जो रियल निडी है मतलब यू आर ए मैसेजर ऑफ गोड आप गोड के मैसेंजर बन जाते हो डाकिया बन जाते हैं हम लोग और क्या काम होता है हमारे, हमारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश होता है जो एक्चुअल में हमारी वेट कर रहे होते हैं या जिनको ईश्वर ने शुरुआत देनी होती है और वो हमें एक्सपीरियंस करके उनका टीचर बना देते हैं और हम जब उनके टीचर बनते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जी हमारी जिंदगी आपकी वजह से चेंज हो गई ठीक है जी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमें यूनिवर्स देता है ठीक है जी वी कैन से एंजल एंजल शब्द भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं कि बहुत बार आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आप दूसरे के लिए एंजल बन जाओगे वहां पे ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के सिग्नल होते हैं ठीक है आपको जीव जंतुओं से पेड़ पौधों से प्राकृति से अचानक से आपका प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा अचानक से आपका प्यार एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा ये आपके आध्यात्मिक उन्नति के सिग्नल होते हैं तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है फिर उसके सराउंडिंग एक जो सबसे बड़ी बीमारी चल रही होती है कि क्या कहेंगे लोग वो उससे भी मुक्त हो जाता है और जब आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति एक और बड़ा चेंज आपकी जीवन के अंदर करती है वो क्या करती है आपके जीवन के अंदर जब आपकी सोल पावरफुल है तो आपका और भी पावरफुल है और लोग आपके इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आते हैं क्यों ईश्वर आपको ये शक्ति देता है कि ईश्वर को पता है कि इसकी सोल और दोनों ही पावरफुल हैं और ये किसी को मिसगाइड नहीं करेगा ये किसी को मिसगाइड नहीं करेगा ये अश्योर करने के बाद ही ईश्वर हमें ये शक्ति देता है ये अश्योर करने के बाद ही ईश्वर हमें ये शक्ति देता है फिर जब ये मिसगाइड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है ना फिर हमारे पास जो पावर्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और आपका जो व्यवहार होता है एक नॉर्मल व्यवहार की हम बात करते हैं कि हमारा बात करने का तरीका हमारा चलने का तरीका उठने बैठने का तरीका वो हर किसी के प्रति न्यूट्रल हो जाता है चाहे किसी ने आपके साथ कितना बुरा किया है आप उसके साथ भी वैसे ही बात करोगे किसी ने बहुत अच्छा किया आप उसके साथ भी बात करोगे कोई बहुत करीबी व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाए तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा कोई व्यक्ति आपके जीवन के अंदर एंटर करेगा वो भी आपके लिए उतना मैटर करता है मतलब एवरीबडी इज इक्वल फॉर यू ठीक है जैसे सूरज रोशनी देता है तो वो ये नहीं देखता कौन गोरा है कौन काला है कौन लंबा है कौन छोटा है कौन अमेरिकन है कौन इंडियन है वो निशुल्क अपनी सर्विस देता है तो इस तरीके से आपकी जो सर्विसेज होती हैं वो निशुल्क हो जाती हैं आध्यात्मिक उन्नति के अंदर तो आध्यात्मिक उन्नति की भूख लगना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब सिग्नल है यूनिवर्स की तरफ से हमें कि हमें यूनिवर्स ने चुना है वी आर ऑलरेडी अपॉइंटेड तो आप सब डिजर्व करते हैं इस चीज के लिए उसी वजह से आप सब लोग अपना टाइम भी दे पा रहे हो उसी वजह से मैं भी आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँ उसी वजह से जो टाइम आप दे रहे हो उसी की वजह से ये टाइम ही आपकी अध्यात्मिक उन्नति का कारण बनेगा सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो हम अपने जीवन में चाहते हैं उसके लिए हम अपना समय कितना दे रहे हैं सबसे महंगी चीज है आज के डेट में टाइम

जो हमारा मेहनत करने का पैरामीटर है उसके ऊपर हम काम करते हैं आज अध्यात्मिक उन्नति में आपको एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा रिकॉर्ड होगा इसको बार 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 सुन लीजिएगा आपको बहुत बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे आप सोच भी नहीं सकते एक व्यक्ति हमारे गुड़गांव में था जो अपने आप को सिर्फ मेरे पास आध्यात्मिक उन्नति की वर्कशॉप के लिए आते थे मतलब सिर्फ मुझे यही प्रोग्राम कर दो जी मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए उन्होंने कर लिया अभी उन्होंने एक एनजीओ बनाया एनजीओ कैसे बनाया कि उनकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ एक डॉग के साथ ठीक है डॉग को काफी चोट लगी और उसने उसको उठाया और उसको हॉस्पिटल लेके गया जब उसको हॉस्पिटल लेके गया डॉग के तो उसने वहां पे देखा कि बहुत सारे और भी बर्ड्स हैं डॉग्स हैं उस एरिया के अंदर जो कि परेशान है मतलब जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और उसने अपना एक एनजीओ बनाया जो कि सिर्फ जीव जंतुओं की सेवा करता है हमारे गुड़गांव में सिर्फ जीव जंतुओं की सेवा करता है अभी वो व्यक्ति को पहले तो कभी आप और हमें पहले तो कभी हमें दिखता ही नहीं सड़क पे कभी एक आधा डॉग दिखेगा एक आधा बर्ड दिखेगा हमेशा दिखता है वो व्यक्ति के पास एक पूरी टीम है और वो पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने सारे पक्षी इकट्ठे कर लाते हैं इतने सारे डॉग्स को इकट्ठा कर लाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं तो मतलब बहुत क्लियर है कि यूनिवर्स ने पहले उसको सिखाया सिखाने के बाद उसको डिव... वर्क दिया जीव जंतुओं की सेवा करने का और वर्क देने के बाद उस व्यक्ति को अलाइन कर दिया वक्त देने के बाद उस व्यक्ति को काम पे लगा दिया और अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा काम करता है कि उसी व्यक्ति को दिखते हैं सारे प्रॉब्लम वाले पशु पक्षी हमें तो नहीं दिखते मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे नहीं दिखते मैं रोड से जाता हूं तो उसी व्यक्ति को दिखते हैं तो इसका ये एक अगर हम समझने पर जाए तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि जब ईश्वर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है तो वो अपने हिसाब से हमें मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें असाइन कर देते हैं ईश्वर तो आपको भी आज हम भी यूनिवर्स से ऐसी ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगेंगे अपने लिए कि हमें भी ऐसा कोई काम हमारी भी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें कोई ऐसा यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जिससे कि हम यूनिवर्स में अपना कोई कंट्रीब्यूशन कर सके और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतनी ही बड़ी शक्ति भी आपके साथ होगी ये बात हमें मान के चलनी है आज वैसे राजेश जी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं स्टार्ट करते हैं जी ठीक है जी ओके आ, सभी लोग मेरे हिसाब से बैठे हैं और हमें सेशन लेट के करना है ये तो मैं आपको दो मिनट का ब्रेक दू उसके लिए सेटल डाउन होने के लिए क्योंकि बैठ के इतना लेट जाना है क्या सर हैं? लेट जाना है लेट हाँ जाना है क्या सबको लेट जाना है कोई व्यक्ति पार्क में घूम रहे हैं आप पार्क में लेट जाइए जी 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 विस्तार में ऊपर आ जाऊं सर दो मिनट का ब्रेक दे देता हूं मैं आप लोगों को सर ऊपर नहीं मैं अपने घर पे हूं घर घर पे हूँ सर आज मैं अपने ऑफिस ना लेट हुआ कैसे अच्छा आप संचित से, से चाबी ले लो मेरे ऑफिस की संचित से वहां फिर लेट जाओ जाके नहीं। तो इनसे मैं रात को वीडियो मैं यूट्यूब में देखूंगा फिर ओके सर तो जो लेट सकते हो मैक्सिमम लोग लेट जाएं और अपना हेडफोन कान पे लगा ले वॉशरूम जाने तो वॉशरूम जाएं और साथ में अपना पानी पी लें मैक्सिमम पानी पी लें जितना पी सकते हैं हां जी क्या कह रहे हैं जी सर कितना समय की होगी पानी ज्यादा फिर वाशरूम फिर लग जाएगी सर सर फोर्टी फाइव टू फिफ्टी मिनट आपको सर मैं हिप्नोटाइज कर दूंगा। कुछ भी नहीं होगा आप टेंशन मत लो. जी हां जी हाँ सर, जी गूगल मीट पे कोई कुछ बोल रहा था प्लीज बताइए सर सर प्रणाम कृष्णा हाँ कृष्णा हाँ। मुझे टाइम कीजिए कि मैं आराम से लेट सकूँ और मुझे कमर और पैर में कोई दर्द ना हो ठीक है जी थी। जी ठीक है थी। 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 सभी से रिक्वेस्ट है कृपया अपने माइक म्यूट रखेंगे हम अपने माइक म्यूट रखेंगे इंदिरा कपूर मैडम ने मैसेज डाला है मैडम मैं आपके मैसेज का जवाब देता हूँ लास्ट में ओके okay, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आप के लिए क्लोज योर आईज़ 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 क्लोज योर आईज प्लीज माइक सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपने प्लीज माइक म्यूट रखिए क्लोज योर योर आईज आईज क्लोज क्लोज योर आईज सभी मेरे पीछे बोलेंगे हे <coughs> hey, परमात्मा अपने मन में बोलेंगे सभी हे hey, परमात्मा जब से इस यूनिवर्स में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है जब से इस यूनिवर्स में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है hmm. तब से अब तक जाने अनजाने में तब से अब तक जाने अनजाने में अगर किसी ने मेरा कुछ भी बुरा किया है तो मैं उसे माफ करता हूँ मैं उसे माफ़ करता हूँ हे परमात्मा जब से इस यूनिवर्स में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है तब से अब तक जाने अनजाने में मैंने किसी का कुछ भी पूरा किया है तो मैं उसे माफ करती हूँ मैं उसे माफ करता हूँ इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मेरे पास है वो सब देने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ इमेजिन कीजिए इमेजिन कीजिए आप एक बहुत ही अच्छे हरे भरे गार्डन के अंदर लेटे हुए हैं इमेजिन कीजिए आप एक बहुत ही सुंदर अद्भुत गार्डन के अंदर लेटे हुए हैं और आपके चारों तरफ ग्रीनरी और कलरफुल फ्लावर्स हैं आपके चारों तरफ बहुत ग्रीनरी और कलरफुल फ्लावर्स हैं बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स हैं बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स हैं बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स हैं इतने कलरफुल जितने के आपने पहले कभी नहीं देखे गार्डन में बहुत अच्छी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी खुशबू आपको उन फ्लावर्स की आ रही है उन फ्लावर्स की आपको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बहुत अच्छी खुशबू आप ले पा रहे हैं और आपके कानों में पक्षियों के चहकने का साउंड बर्ड्स के चहकने का साउंड आपके कानों में आ रहा है आपके कानों के अंदर आ रहा है आप पक्षियों की आवाज को बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं प्रेगनेंस को बहुत अच्छे से ले पा रहे हैं खुले आसमान के नीचे गार्डन में खुद को महसूस कीजिए महसूस कीजिए महसूस कीजिए महसूस कीजिए यूनिवर्स के सेंटर में अपने आप को महसूस कीजिए क्या आप यूनिवर्स के सेंटर में लेटे हुए हैं चारों तरफ ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है महसूस कीजिए कोई ईश्वरीय ऊर्जा कोई ईश्वरीय ऊर्जा कोई ईश्वरीय ऊर्जा आपके बॉडी के ऊपर फ्लोट कर रही है कोई ईश्वरीय ऊर्जा कोई एनर्जी आपके शरीर के ऊपर फ्लोट कर रही है आपके शरीर के ऊपर फ्लोट कर रही है कोई ईश्वरीय ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर फ्लोट कर रही है आपके फेस के ऊपर महसूस कीजिए के ऊपर आपकी लेग्स के ऊपर आपके स्टमक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे आप महसूस कीजिए कोई ईश्वरीय ऊर्जा आपको ब्लेस कर रही है कोई ईश्वरीय ऊर्जा आपको ब्लेस कर रही है कोई ईश्वरीय ऊर्जा आपको ब्लेस कर रही है आपका शरीर आपका शरीर के जिस पार्ट पे आप ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं जिस भी पार्ट पे आप ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं वो स्थिर होता जा रहा है वो पार्ट बिल्कुल स्थिर होता चला जा रहा है जिस भी पार्ट पर आप ईश्वरीय ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं वो पार्ट बिल्कुल रिलैक्स होता चला जा रहा है बिल्कुल स्थिर होता चला जा रहा है आपकी दोनों लेग्स शोल्डर आर्म्स चेस्ट के मसल्स स्टमक के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते चले जा रहे हैं आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं आप अपने आप को बहुत ब्लेस फील कर रहे हैं आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं आराम से लेट जाइए आराम से लेटे रहिए उस ईश्वरीय ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर समाने दीजिए अपनी सोल की पावर को बढ़ने दीजिए आप अपनी सोल की पावर को बढ़ाने के लिए इस ईश्वरीय ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं आप अपनी सोल की पावर को बढ़ाने के लिए इस ईश्वरीय ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं जिन भी व्यक्तियों को नींद आ रही है वो कृपया सो जाइए जिन भी व्यक्तियों को नींद आ रही आ रही है कृपया सो जाइए कृपा सो जाइए कृपा सो जाइए अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए परमात्मा को अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए परमात्मा को अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए परमात्मा को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए परमात्मा को हाथ पैर बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं हाथ और पैर बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं हाथ और पैर बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं आपके हाथ और पैर बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं और एकदम स्थिर हो गए हैं आपकी गर्दन से नीचे का हिस्सा बिल्कुल स्थिर होता चला जा रहा है बिल्कुल स्थिर होता चला जा रहा है बिल्कुल स्थिर होता चला जा रहा है आप एक ईश्वरीय ऊर्जा को रिसीव कर पा रहे हैं अपनी बॉडी पे फ्लोट होते हुए देख पा रहे हैं बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है किसी को इस ऊर्जा का एहसास गर्म होगा किसी को इस ऊर्जा का एहसास ठंडा होगा किसी को इस ऊर्जा का एहसास गर्म होगा किसी को इस ऊर्जा का एहसास ठंडा होगा आप इस ऊर्जा को बहुत आसानी से रसीव कर पा रहे हैं आप इस ऊर्जा को बहुत आसानी से रसीव कर पा रहे हैं आप इस ऊर्जा को बहुत आसानी से रसीव कर पा रहे हैं आपके ब्रेन के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हैं आपका पीनियल ग्लैंड आपका पीनियल ग्लैंड बिल्कुल तैयार है आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट करने के लिए और वो आपकी सोल की पूरी मदद कर रहा है आपके सोल की पूरी मदद कर रहा है इस ऊर्जा को रिसीव करने में और आपको गहरी नींद की ओर ले जाने में और आपको गहरी नींद की ओर ले जाने के लिए आप बहुत ही एक्साइटेड हैं आप बहुत ही एक्साइटेड हैं अपनी सोल को पावरफुल बनाने के लिए इसीलिए आप यूनिवर्स के साथ सरेंडर के भाव में हो इसीलिए आप यूनिवर्स के साथ सरेंडर के भाव में हो इसीलिए आप यूनिवर्स के साथ के भाव में हो आप बिल्कुल सरेंडर कर चुके हो यूनिवर्स को यूनिवर्स को अपना हंड्रेड दे चुके हो अपना आप यूनिवर्स को खुद को यूनिवर्स के हवाले करने के लिए बिल्कुल तैयार हो आप उस ईश्वरीय शक्ति पर उस ऊर्जा पर बहुत भरोसा करते हो आप उस ईश्वरीय शक्ति पर उस ऊर्जा पर बहुत भरोसा करते हो आप उस ईश्वरीय शक्ति के ऊपर बहुत भरोसा करते हो और उस ऊर्जा को रिसीव करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं बिल्कुल तैयार हैं शरीर के सारे मसल्स शरीर के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं बॉडी बिल्कुल स्थिर हो चुकी है शरीर के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं बॉडी बिल्कुल स्थिर हो चुकी है एकदम स्थिर एकदम स्थिर एकदम स्थिर और आप अपने शरीर के किसी भी अंग को हिलाकर भी नहीं देखना चाहते क्योंकि आप खुद को सरेंडर के, 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 के भाव में ले जा चुके हैं आप ईश्वर की ऊर्जा के सामने उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सामने खुद को सरेंडर के भाव में ले जा चुके हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड मेरी आवाज़ को पहचानता है आपका सबकॉन्शियस माइंड मेरी आवाज़ को पहचानता है और मुझे एलो करता है आपको आध्यात्मिक उन्नति की अपरमिशंस देने के लिए उसके लिए मैं आप सभी के सबकॉन्शियस माइंड का धन्यवाद करता हूँ उसके लिए मैं आप सभी के सबकॉन्शियस माइंड का और सोल का धन्यवाद करता हूँ मुझे एलो करने के लिए शरीर के सारे मसल्स बिल्कुल स्थिर हो गए हैं ब्रेन के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं पेस के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं पेस के सारे मसल्स पेस के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं ब्रेन के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं बॉडी के सारे मसल शरीर का एक एक अंग बिल्कुल रिलैक्स हो गया है बिल्कुल रिलैक्स बिल्कुल रिलैक्स बिल्कुल रिलैक्स हो गया है एक एक मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो गया है बिल्कुल रिलैक्स बिल्कुल रिलैक्स Will cool, relax. Will relax. Will relax. Igdom, relax. Igdom, relax. 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 And you are going to deep, deep, deeper sleep. You are going to deep, deep, deeper sleep. आप एक गहरी नींद की तरफ जा रहे हैं। आप एक गहरी नींद की तरफ जा रहे हैं। आप एक गहरी नींद की तरफ जा रहे हैं। आप एक गहरी नींद की तरफ जा रहे हैं गहरी नींद इस नींद को आप बहुत इन्जॉय करेंगे बहुत इन्जॉय करेंगे बहुत इन्जॉय करेंगे मेरे पास मेरे पास जो भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं मेरे पास जो भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं मेरे पास जो भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो सब देने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे पास जो भी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं वो सब देने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ मेरे पास जितने भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं चाहे वो मुझे रेकी के द्वारा हासिल हुई मेरी पूजा और प्रार्थना के द्वारा हासिल हुई या वो शक्तियां मुझे या वो शक्तियां मुझे मेरे पूजा पाठ से हासिल हुई उन सभी शक्तियों के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद करती हूँ मेरे पास जिस भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति है जिस भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं मैं उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं इस ब्रह्मांड का सबसे सबसे लाडला बच्चा हूँ मैं इस, अच्छा इस, इस ब्रह्मांड का सबसे लाडला बच्चा हूँ मैं इस, इस ब्रह्मांड का सबसे लाडला बच्चा हूँ मेरी इंट्यूशन पावर मेरी इंट्यूशन पावर लगातार बढ़ती चली जा रही है जिससे मैं यूनिवर्स में रहने वाले सभी प्राणियों की मदद करता हूँ मदद करती हूँ मेरी इंट्यूशन पावर लगातार बढ़ती चली जा रही है जिससे मैं यूनिवर्स में रहने वाले सभी लोगों की मदद करता हूँ मदद करती हूँ फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का मुझे पूर्वाभास सबसे पहले हो जाता है फ्यूचर में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास मुझे समय से पहले हो जाता है चाहे वो कोई प्राकृतिक आपदा हो या किसी की जिंदगी में घटने वाली घटना चाहे वो कोई प्राकृतिक आपदा हो या किसी के जीवन में घटने वाली कोई घटना <coughs> मेरा मेरी पूर्वाभास की शक्ति मेरी इंटेशन पावर एकदम बढ़ती चली जा रही है एकदम बढ़ती चली जा रही है एकदम बढ़ती चली जा रही है और इससे मैं अपना और समाज का भला करता हूँ इससे मैं अपना और समाज का भला करता हूँ मैं अपने सराउंडिंग रहने वाली मैं अपने आसपास रहने वाली ईश्वरीय ऊर्जा को रिसीव करने के लिए खुद को एलो करता हूँ मैं अपने आसपास रहने वाली ईश्वरीय ऊर्जा को रिसीव करने के लिए खुद को एलो करता हूँ मैं अपने आसपास रहने वाली ईश्वरीय शक्तियों को रिसीव करने के लिए खुद को एलो करता हूँ मैं अपने आसपास रहने वाली ईश्वरीय शक्तियों को रिसीव करने के लिए खुद को एलो करता हूँ मैं अपने आसपास रहने वाली ईश्वरीय शक्तियों को रिसीव करने के लिए ख़ुद को एलो करता हूँ मैं अपने पिछले जन्मों की और अब तक की ज़िंदगी की सभी प्रकार की साइकिक पावर्स का यूज़ बहुत आसानी से कर पाता हूँ मैं अपने पिछले जन्मों की और इस जन्म की सभी प्रकार की साइकिक पावर्स का यूज़ बहुत आसानी से कर पाता हूँ मैं अपने पिछले जन्मों की और इस जन्म की अब तक की लाइफ की साइकिक पावर्स का यूज़ बहुत अच्छे से कर पाता हूँ मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और सोल की ग्रोथ के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और सोल की ग्रोथ के लिए हमेशा खुद को तैयार रखता हूँ मैं अपनी अध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं अपनी अध्यात्मिक उन्नति के लिए खुद को हमेशा तैयार रखता हूँ ख़ुद को हमेशा तैयार रखता हूँ मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भरपूर मेहनत करता हूँ मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भरपूर मेहनत करती हूँ भरपूर मेहनत करता हूँ ऊर्जा शक्ति बढ़ती ही चली जा रही है जिससे मेरी ऊर्जा शक्ति बढ़ती ही चली जा रही है मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भरपूर मेहनत करता हूँ मैं अपनी अध्यात्मिक मेरी, मेरी, मेरी सोल को इस ग्रोथ का मौका देने के लिए मैं हमेशा इस यूनिवर्स के लिए धन्यवाद का भाव रखता हूँ मेरी सोल को इस ग्रोथ का मौका देने के लिए मैं हमेशा यूनिवर्स को धन्यवाद करती हूँ मेरी सोल को इस ग्रोथ का मौका देने के लिए मैं हमेशा यूनिवर्स को धन्यवाद करती हूँ मेरी सोल को इस ग्रोथ का मौका देने के लिए मैं हमेशा यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ <kuck Progress> मेरी साइकिक पावर्स मेरी साइकिक पावर्स लगातार बढ़ती चली जा रही हैं मेरी साइकिक पावर्स लगातार बढ़ती चली जा रही हैं मेरी साइकिक पावर्स लगातार बढ़ती चली जा रही हैं मेरी साइकिक पावर्स लगातार बढ़ती चली जा रही हैं मेरी साइकिक पावर्स लगातार बढ़ती चली जा रही है मेरी साइकिक पावर्स लगातार बढ़ती चली जा रही है मेरी सोल हर दिन पहले से ज्यादा पावरफुल होती चली जा रही है मेरी सोल हर दिन पहले से ज़्यादा पावरफुल होती चली जा रही है मेरी आत्मा हर दिन पहले से ज़्यादा पावरफुल होती चली जा रही है मेरी आत्मा हर दिन पहले से ज्यादा पावरफुल होती चली जा रही है मेरी आत्मा हमेशा मेरी आत्मा पहले से ज्यादा पावरफुल होती चली जा रही है मेरी आत्मा पहले से ज्यादा पावरफुल होती चली जा रही है मेरी आत्मा पहले से ज्यादा पावरफुल होती चली जा रही है मेरी आत्मा पहले से ज्यादा पावरफुल होती जा रही है संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड मुझे ब्लेस करता है संपूर्ण ब्रह्मांड मुझे ब्लेस करता है उसके लिए मैं हमेशा ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करता हूँ संपूर्ण ब्रह्मांड मुझे हमेशा ब्लेस करता है उसके लिए मैं हमेशा ब्रह्मांड का आभारी हूँ संपूर्ण ब्रह्मांड मुझे हमेशा ब्लेस करता है उसके लिए मैं हमेशा ब्रह्मांड का आभारी हूँ संपूर्ण ब्रह्मांड मुझे हमेशा ब्लेस करता है उसके लिए मैं हमेशा ब्रह्मांड का आभारी हूँ उसके लिए मैं हमेशा ब्रह्मांड का आभारी हूँ हेल्दी शरीर के साथ हेल्दी सोल देने के लिए मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ मुझे हेल्दी शरीर के साथ हेल्दी सोल देने के लिए मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ मुझे हेल्दी शरीर के साथ हेल्दी सोल देने के लिए मैं मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ मुझे हेल्दी शरीर के साथ हेल्दी सोल देने के लिए मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ बढ़ रही शक्तियों से मेरी सोल की लगातार बढ़ रही शक्तियों से मैं दूसरों से अलग होता चला जा रहा हूँ मैं भीड़ से अलग होता चला जा रहा हूँ मेरी सोल की लगातार बढ़ती शक्तियों से मैं दूसरों से अलग होता चला जा रहा हूँ मेरी सोल की लगातार बढ़ती शक्तियों से मैं दूसरों से अलग होता चला जा रहा हूँ मैं दूसरों से अलग होता चला जा रहा हूँ मैं दूसरों से अलग होता चला जा रहा हूँ मैं दूसरों से अलग होता चला जा रहा हूँ मैं अपनी सोल में आ रहे इस बदलाव के लिए तैयार हूँ मैं अपनी सोल में आ रहे इस बदलाव के लिए तैयार हूँ मैं अपनी सोल में आ रहे इस बदलाव के लिए तैयार हूँ मैं अपनी सोल में आ रहे इस बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मैं अपनी सोल में आ रहे इस बदलाव बड़। के लिए बिल्कुल तैयार हूँ बिल्कुल तैयार हूँ ईश्वरीय शक्तियाँ ईश्वरीय शक्तियाँ मुझे रास्ता दिखाती हैं ईश्वरीय है। शक्तियाँ मुझे रास्ता दिखाती हैं और मुझे मेरे मकसद की ओर ले जाती हैं ईश्वरीय शक्तियाँ मुझे रास्ता दिखाती हैं और मकसद की मुझे मेरे मकसद की ओर ले जाती हैं ईश्वरीय शक्तियाँ मुझे रास्ता दिखाती हैं और मुझे मेरे मकसद की ओर लेकर जाती हैं पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव थिंकिंग मेरा पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव थिंकिंग से मैं आध्यात्मिक उन्नति बहुत आसानी से कर पा रहा हूं अपने पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से मैं आध्यात्मिक उन्नति बहुत आसानी से कर पा रही हूं अपने पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव थिंकिंग से मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ मेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं मेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं मेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं मेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं मेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है मेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं मेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो मेरे जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश हूँ मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की अंश हूँ मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश हूँ मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश हूँ मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा सर्व पर की अंशी हूँ मैं सर्व शक्तिमान परमात्मा का अंश हूँ में वो सारी शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में है मुझ में वो सारी शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में है मुझ में वो सारी शक्तियाँ हैं जो इस ब्रह्मांड में है मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ अनंत गुणों का भंडार हूँ मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ अनंत गुणों का भंडार हूँ मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ अनंत गुणों का भंडार हूँ मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ अनंत गुणों का भंडार हूँ मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ अनंत गुणों का भंडार हूँ मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ मैं अनंत गुणों का भंडार हूँ मैं <coughs> किसी के भी बारे में बिल्कुल अच्छे से प्रडिक्शन कर पाता हूँ मैं किसी के भी फ्यूचर के बारे में बिल्कुल अच्छे से प्रडिक्शन कर पाती हूँ मैं किसी के भी फ्यूचर के बारे में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अच्छे से प्रडिक्शन कर पाता हूँ मैं किसी के भी जीवन की प्रडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर पाती हूँ मैं किसी के भी जीवन की प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर पाता हूँ मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ और अनंत गुणों का भंडार हूँ मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ मैं अनंत गुणों का भंडार हूँ मेडिटेशन करते हुए मेडिटेशन करते हुए मैं अपने परमात्मा में खो जाता हूँ मेडिटेशन करते हुए मेडिटेशन करते हुए मैं अपने परमात्मा में खो जाती हूँ मेडिटेशन करते हुए मैं अपने परमात्मा में खो जाता हूं। और मेडिटेशन करते हुए मैं अपने परमात्मा में खो जाती हूँ जब भी मैं ध्यान लगाता हूँ जब भी मैं ध्यान लगाता हूँ मैं एकदम अपने परमात्मा से कनेक्ट हो जाता हूँ जब भी मैं ध्यान की मुद्रा में बैठता हूँ मैं, मैं एकदम अपने परमात्मा से कनेक्ट हो जाता हूँ जब भी मैं ध्यान लगाता हूँ मैं एकदम अपने परमात्मा से कनेक्ट हो जाती हूँ जब भी मैं ध्यान लगाता हूँ मैं एकदम अपने परमात्मा से कनेक्ट हो जाती हूँ मैं जब भी ध्यान लगाती हूँ एकदम अपने परमात्मा से कनेक्ट हो जाती हूँ मैं जब भी ध्यान लगाता हूँ मैं एकदम अपने परमात्मा से कनेक्ट हो जाता हूँ मुझ में वो सारी शक्तियाँ हैं मुझ में वो सारी शक्तियाँ हैं जो मेरे परमात्मा में हैं जो इस ब्रह्मांड में हैं मुझ में वो सारी शक्तियाँ हैं जो इस परमात्मा में हैं और जो इस ब्रह्मांड के अंदर है मुझ में वो सारी शक्तियाँ हैं जो परमात्मा में हैं और इस ब्रह्मांड के अंदर है में वो सारी शक्तियां हैं जो परमात्मा में है और इस ब्रह्मांड में है मुझमें हैं जो मेरे परमात्मा में है और इस ब्रह्मांड में है मेरे अंदर की सारी शक्तियां मेरे अंदर की सारी शक्तियां जागने लगी हैं मेरे अंदर की सारी शक्तियां जागने लगी हैं मेरे अंदर की सारी शक्तियाँ जागने लगी हैं मेरे अंदर की सारी शक्तियाँ अब जागने लगी हैं मेरे अंदर की सारी शक्तियाँ अब जागने लगी हैं मेरे अंदर की सारी शक्तियाँ अब जागने लगी हैं मेरे अंदर की सारी शक्तियाँ अब जागने लगी हैं मेरे अंदर की सारी शक्तियाँ अब जागने लगी हैं मेरे अंदर की सारी शक्तियां अब जागने लगी हैं, मेरे अंदर की सारी शक्तियाँ अब जागने लगी हैं, तो है। मेरी साइकिक पावर्स मेरी साइकिक पावर्स लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, मेरी साइकिक पावर्स लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, मेरी साइकिक पावर्स लगातार बढ़ती चली जा रही है अध्यात्म मेरे लिए एक मैग्नेट पावर की तरह है Osionfish. जो मुझे हर पल अपनी ओर खींचता है अध्यात्म मेरे लिए एक मैग्नेट पावर की तरह है जो हर पल मुझे अपनी ओर खींचता है अध्यात्म मेरे लिए एक मैग्नेट पावर की तरह है जो हर पल मुझे अपनी ओर खींचता है अध्यात्म मेरे लिए एक मैग्नेट पावर की तरह है जो हर पल मुझे अपनी ओर खींचता है अध्यात्म मेरे लिए एक मैग्नेट पावर की तरह है जो हर पल मुझे अपनी ओर खींचता है अध्यात्म मेरे लिए एक मैग्नेट पावर की तरह है जो हर पल मुझे अपनी ओर खींचता है अध्यात्म मेरे लिए एक मैग्नेट की तरह है जो हर पल मुझे अपनी ओर खींचता है यह ब्रह्मांड मेरा मित्र है माता पिता है और मुझसे प्रेम करता है यह ब्रह्मांड मेरा मित्र माता पिता है और मुझसे प्रेम करता है है यह ब्रह्मांड मेरा मित्र मेरे माता पिता है और मुझसे प्रेम करता है यह ब्रह्मांड मेरा मित्र माता पिता है और मुझे प्रेम करता है यह ब्रह्मांड मेरा मित्र माता पिता है और मुझसे प्रेम करता है और मुझसे प्रेम करता है मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती ही चली जा रही है मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती ही चली जा रही है मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती ही चली जा रही है मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती ही चली जा रही है मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती ही चली जा रही है मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती ही चली जा रही है मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती ही चली जा रही है मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती ही चली जा रही है मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती ही चली जा रही है मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती ही चली जा रही है मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती ही चली जा रही है मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती ही चली जा रही है मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती ही चली जा रही है मेडिटेशन करते हुए मेडिटेशन करते हुए मैं सिर्फ कुछ ना होना अनुभव करता हूँ मैं कुछ भी ना घटना अनुभव करता हूँ मैं मेडिटेशन करते हुए मैं निर्विचार मेडिटेशन करते हुए मैं निर्विचार और शून्य को अनुभव करता हूँ मेडिटेशन <sehr million people> करते हुए मैं निर्विचार शून्य को अनुभव करता हूँ मेडिटेशन करते हुए मैं शून्य को अनुभव करता हूँ मेडिटेशन करते हुए मैं शून्य को अनुभव करता हूँ मेडिटेशन करते हुए मैं शून्य को अनुभव करता हूँ मेडिटेशन करने के के वक्त मैं सिर्फ शून्य को अनुभव करता हूँ एकदम एम्पिटी माइंड बिल्कुल खाली माइंड मैं बिल्कुल निर्विचार होकर मेडिटेशन करता हूँ बिल्कुल निर्विचार होकर मेडिटेशन करता हूँ बिल्कुल निर्विचार होकर मेडिटेशन करता हूँ मेडिटेशन को समय देना मेडिटेशन को समय देना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेडिटेशन को समय देना मेरी पहली प्राथमिकता है। मेडिटेशन को समय देना मेरी पहली प्राथमिकता है 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 मैं ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके पूर्वाभास को रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं के पूर्वाभास को रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ मैं ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं के पूर्वाभास को रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ मैं ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं के पूर्वाभास को रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ मैं ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं के पूर्वाभास को रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ मैं ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं के पूर्वाभाष को रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ अब मैं अपने एंजल्स और स्पिरिचुअल गाइड से बहुत आसानी से कनेक्शन करने लगा हूँ अब मैं अपने एंजल्स और स्पिरिचुअल गाइड से बहुत आसानी से संपर्क करने लगा हूँ अब मैं अपने एंजल्स और स्पिरिचुअल गाइड से बहुत जल्दी कनेक्शन करने लगा हूँ बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता हूँ अब मैं अपने एंजल स्पिरिचुअल गाइड से बहुत आसानी से कनेक्ट करने लगा हूँ मैं अपने गुरुओं से मैं अपने गुरुओं से बहुत आसानी से कनेक्ट करने लगा हूँ मैं अपने गुरुओं से बहुत आसानी से कनेक्ट करने लगा हूँ 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 बहुत आसानी से कनेक्ट करने लगा मुझे मेरे गुरुओं की ब्लेसिंग्स मुझे मेरे गुरुओं की ब्लेसिंग्स और शक्तिशाली बनाती है अपने गुरुओं के प्रति मेरा समर्पण मुझे और शक्तिशाली बनाता है अपने गुरुओं के प्रति मेरा समर्पण मुझे और शक्तिशाली बनाता है अपने गुरुओं के प्रति मेरा समर्पण मुझे और 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 शक्तिशाली 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 बनाता 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 है, है, है। अपने गुरुओं के प्रति मेरा समर्पण मुझे और शक्तिशाली बनाता है अपने गुरुओं का प्रति मेरा समर्पण मुझे और शक्तिशाली बनाता है मैं ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियाँ देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियाँ देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियाँ देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियाँ देने, शक्तिया देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियाँ देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियाँ देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियाँ देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियाँ देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियाँ देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियाँ देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियाँ देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियाँ देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियाँ देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियां देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियां देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड को ये सारी शक्तियां देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड से मैं ब्रह्मांड से विनती करती हूँ मैं ब्रह्मांड से विनती करता हूँ मुझे रास्ता दिखाएं और मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दें मैं ब्रह्मांड से विनती करती हूँ मैं ब्रह्मांड से विनती करता हूँ कि मुझे रास्ता दिखाएं और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दें मैं ब्रह्मांड से ब्रह्मांड के लिए कुछ भी कर पाऊँ मैं इस ब्रह्मांड के लिए कुछ भी कर पाऊँ वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी मैं इस ब्रह्मांड के लिए कुछ भी कर पाऊँ वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी मैं ब्रह्मांड के लिए कुछ भी कर पाऊँ इस ब्रह्मांड को कुछ भी सेवा दे पाऊँ वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी मैं इस ब्रह्मांड में अपनी कुछ भी सेवा दे पाऊँ वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी मैं इस ब्रह्मांड के अंदर अपनी कोई भी सेवा दे पाऊँ वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी मैं ब्रह्मांड से अपने लिए मैं ब्रह्मांड से अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती हूँ मैं ब्रह्मांड से अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता हूँ मैं ब्रह्मांड से अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता हूँ मैं ब्रह्मांड से अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती हूँ मैं ब्रह्मांड ब्रह से अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता हूँ मैं ब्रह्मांड से अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलटी मांगती हूँ मैं ब्रह्मांड से अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता हूँ मैं ब्रह्मांड से अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती हूँ मैं ब्रह्मांड से अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता हूँ मैं ब्रह्मांड से अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती हूँ मैं ब्रह्मांड से अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता हूँ मैं ब्रह्मांड से अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती हूँ <clears throat> मेरे आत्म सुझाव मेरे आत्म सुझाव लगातार दोहराने से मेरी मानसिक शक्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं मेरे आत्म सुझाव लगातार दोहराने से मेरी मानसिक शक्तियाँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं मेरे आत्म सुझाव मेरी अफर्मेशंस लगातार बोलने से मेरी मानसिक शक्तियाँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं मेरे आत्म सुझाव दोहराने से मेरी मानसिक शक्तियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं मेरे आत्म सुझाव लगातार दोहराने से मेरी मानसिक शक्तियाँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं मेरे आत्म सुझाव लगातार दोहराने से मेरी मानसिक शक्तियाँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं मेरे आत्म सुझाव लगातार दोहराने से मेरी मानसिक शक्तियाँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं लगातार बढ़ती चली ही जा रही हैं मेरा विजुलाइजेशन पावर मेरा विजुलाइजेशन पावर बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है बिल्कुल क्लियर होता चला जा रहा है मैं किसी भी एनर्जी को बहुत आसानी से विजुलाइज कर सकता हूँ मैं किसी भी एनर्जी को बहुत आसानी से विजुलाइज करके देख सकता हूँ मैं किसी भी एनर्जी को बहुत आसानी से विजुलाइज करके देख सकता हूँ किसी भी एनर्जी को बहुत आसानी से विजुलाइज करके देख सकता हूँ किसी भी एनर्जी को बहुत आसानी से विजुलाइज करके देख सकता हूँ मैं किसी भी एनर्जी को बहुत आसानी से विजुलाइज करके देख सकता हूँ किसी भी एनर्जी को बहुत आसानी से करके देख सकता हूँ मेरी रेकी रे, जब भी मैं किसी की रेकी करता हूँ जब भी मैं किसी की रेकी करता हूँ तो मैं उसकी प्रॉब्लम को पहले से समझकर पहले से समझकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से और भी ज्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हील कर पाता हूँ जब भी मैं किसी की रेकी हीलिंग करता हूँ मैं उसकी प्रॉब्लम को पहले से समझकर और भी ज्यादा अच्छे से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को रिसीव करके हीलिंग कर पाता हूँ जब भी मैं किसी की रेकी करता हूँ या हीलिंग करता हूँ तो मैं उसकी प्रॉब्लम को पहले से समझ और भी ज्यादा शक्ति के साथ और भी ज्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हीलिंग कर पाता हूँ मैं मेरा यूनिवर्स के प्रति प्यार अनकंडीशनल है मेरा यूनिवर्स के प्रति लव 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 अनकंडीशनल है मैं यूनिवर्स से अनकंडीशनल लव करता हूँ मैं यूनिवर्स से अनकंडीशनल लव करता हूँ यूनिवर्स से अनकंडीशनल लव करता हूँ मैं यूनिवर्स से अनकंडीशनल लव करता हूँ मेरे चेहरे पे सदा आनंद की झलक मिलती है मेरे चेहरे पे सदा आनंद की झलक मिलती है मेरे चेहरे पे सदा आनंद की झलक मिलती है मेरे चेहरे पे सदा आनंद की झलक मिलती है सदा आनंद की झलक मिलती है मेरे चेहरे पर सदा आनंद की झलक मिलती है मेरे चेहरे पर सदा आनंद की झलक मिलती है मैंने खुद को मैंने खुद को उस शक्ति के सामने समर्पित कर दिया है मैंने खुद को उस शक्ति के सामने उस विराट के सामने समर्पित कर दिया है मैंने खुद को उस ईश्वरीय शक्ति के सामने समर्पित कर दिया है मैंने खुद को उस शक्ति के सामने समर्पित कर दिया है मैंने खुद को उस शक्ति के सामने समर्पित कर दिया है मैंने खुद को उस शक्ति के सामने समर्पित कर दिया है मैंने खुद को उस शक्ति के सामने समर्पित कर दिया है मैं इस ब्रह्मांड से बहुत प्यार करता हूँ ब्रह्मांड परिवार है मैं इस से बहुत प्यार करता हूँ यह ब्रह्मांड मेरा ही परिवार है मैं इस ब्रह्मांड से बहुत प्यार करता हूँ यह ब्रह्मांड मेरा ही परिवार है मैं इस ब्रह्मांड से बहुत प्यार करता हूँ यह ब्रह्मांड मेरा ही परिवार है मैं इस ब्रह्मांड से बहुत प्यार करता हूँ यह ब्रह्मांड मेरा ही परिवार है मैं इस ब्रह्मांड से बहुत प्यार करता हूँ यह ब्रह्मांड मेरा ही परिवार है मैं इस ब्रह्मांड से बहुत प्यार करता हूँ यह ब्रह्मांड मेरा ही परिवार है मैं इस ब्रह्मांड से बहुत प्यार करता हूँ यह ब्रह्मांड मेरा ही परिवार है मेडिटेशन करते हुए मेडिटेशन करते हुए मुझे यूनिवर्स से बहुत अच्छे अच्छे मैसेज और एक्सपीरियंस मिलते हैं मेडिटेशन करते हुए मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज और एक्सपीरियंसेस मिलते हैं मेडिटेशन करके अपनी बंद आँखों से मैं ब्रह्मांड को देख पाता हूँ मेडिटेशन करते हुए मैं अपनी बंद आँखों से भी ब्रह्मांड को देख पाता हूँ मेडिटेशन करते हुए मैं अपनी बंद आँखों से भी ब्रह्मांड को देख पाता हूँ मेडिटेशन करते हुए मैं अपनी बंद आँखों से भी ब्रह्मांड को देख पाता हूँ मेडिटेशन करते हुए मैं अपनी बंद आंखों से भी ब्रह्मांड को देख पाता हूँ मेडिटेशन करते हुए मैं अपनी बंद आंखों से भी ब्रह्मांड को देख पाता हूँ बंद आँखों से भी मैं अपने ब्रह्मांड को देख पाता हूँ हे ईश्वर मैं आपसे अपने लिए मार्गदर्शन हे ईश्वर मैं आप से अपने लिए मार्गदर्शन और जिम्मेवार की डिमांड करता हूँ हे hey ईश्वर मैं आपसे अपने लिए मार्गदर्शन और जिम्मेवार की डिमांड करता हूँ मुझे इस यूनिवर्स में कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए मुझे इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए जिम्मेवारी दीजिए मुझे इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए जिम्मेवार दीजिए मुझे इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए जिम्मेदारियाँ दीजिए मुझे इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए जिम्मेदारियाँ दीजिए मुझे इस यूनिवर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए जिम्मेदारियाँ दीजिए मुझे इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए ज़िम्मेदारियाँ दीजिए मुझे इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए ज़िम्मेदारियाँ दीजिए मैं अपने से बड़ों का और अपने गुरुओं का और परमात्मा का बहुत सम्मान करता हूँ मैं अपने से बड़ों का गुरुओं का और परमात्माओं का बहुत सम्मान करता हूँ मैं अपने से बड़ों का गुरु का और परमात्मा का बहुत सम्मान करता हूँ मैं अपने से बड़ों का गुरु का और परमात्मा का बहुत सम्मान करता हूँ मैं अपने से बड़ों का परमात्मा का, का और गुरु का बहुत सम्मान करता हूँ मैं अपने से बड़ों का परमात्मा का और गुरु का बहुत सम्मान करता हूँ मैं इस ब्रह्मांड में रहने वाली हर एक वस्तु के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड रखता हूँ मैं इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक वस्तु के लिए हर एक कण के लिए अपना ग्रैटिट्यूट रखता हूँ मैं इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक वस्तु के लिए अपना ग्रैटिट्यूट रखता हूँ मैं इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु के लिए अपना ग्रेटिट्यूट रखता हूँ मेरी लगातार आध्यात्मिक उन्नति से मेरी लगातार हो रही आध्यात्मिक उन्नति से मैं समाज का निर्माण कर पा रहा हूँ समाज के निर्माण में एक भूमिका निभा पा रहा हूँ मेरी लगातार हो रही आध्यात्मिक उन्नति से मैं समाज का निर्माण में एक भूमिका निभा पा रहा हूँ मेरे लगातार बढ़ रही आध्यात्मिक शक्तियों से मैं समाज के निर्माण में एक भूमिका निभा पा रहा हूँ पेड़ पौधे जीव जंतुओं से मुझे बहुत प्यार है पेड़ पौधे जीव जंतुओं से मुझे बहुत प्यार है, है पेड़ पौधे जीव जंतुओं से मुझे बहुत प्यार है पेड़ पौधे जीव जंतुओं से मुझे बहुत प्यार है पेड़ पौधों जीव जंतुओं से मुझे बहुत प्यार है छोटी सी चीटी से लेके आसमान में उड़ने वाले ईगल दोनों के लिए ही मेरा ग्रेटिट्यूड समान है छोटी सी चीटी से लेकर आसमान में उड़ने वाले ईगल दोनों के लिए ही मेरा ग्रेटिट्यूड समान है मैं अपने आप को इस यूनिवर्स का हिस्सा पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ खुद को इस यूनिवर्स का एक हिस्सा पाकर मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ खुद को इस यूनिवर्स का हिस्सा पाकर मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ इतने खूबसूरत इतने खूबसूरत ब्रह्मांड में मुझे जगह देने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ इतने खूबसूरत नेचर और ब्रह्मांड में मुझे जगह देने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ इतने खूबसूरत ब्रह्मांड और नेचर के बीच में मुझे जगह देने के लिए मैं ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करता हूँ इतने खूबसूरत ब्रह्मांड और नेचर में मुझे जगह देने के लिए मैं ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करता हूँ अपनी आध्यात्मिक उन्नति से मैं अपनी मानसिक शांति को महसूस कर पाता हूँ अपनी आध्यात्मिक उन्नति से मैं मानसिक शांति को महसूस कर पाता हूँ अपनी आध्यात्मिक उन्नति से मैं अपनी मानसिक शांति को बहुत अच्छे से <S ikiy Nazi> महसूस कर पाता हूँ मैं एकदम शांत हूँ मेरा स्वभाव बिल्कुल शांत है मेरा स्वभाव बिल्कुल शांत है मैं बिल्कुल शांत हूँ मैं एकदम शांत हूँ मेरा स्वभाव बिल्कुल शांत है मैं एकदम शांत हूँ मेरा स्वभाव बिल्कुल शांत है मैं एकदम शांत हूँ मेरा स्वभाव बिल्कुल शांत है मैं एकदम शांत हूँ मेरा स्वभाव बिल्कुल शांत है मैं एकदम शांत हूँ मेरा स्वभाव बिल्कुल शांत है बिल्कुल शांत है बिल्कुल शांत है बिल्कुल शांत है। मैं ईश्वर को को इस मानसिक शांति देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं ईश्वर को इतनी मानसिक शांति देने के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं ईश्वर को इतनी मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति देने के लिए धन्यवाद करता हूँ मैं ईश्वर को इतनी मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति देने के लिए धन्यवाद करता हूँ मैं ईश्वर को इतनी मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति देने के लिए धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद करती हूँ शांत रहना शांत रहना मेरा स्वभाव है 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 सबको माफ कर देने की शक्ति सबको माफ कर देने की शक्ति मेरे पास सबसे ज्यादा है मैं सबको मन से दिल से माफ कर, कर सकती हूँ मैं सबको मन से दिल से माफ कर सकता हूँ मैं सबको मन से दिल से माफ कर सकती हूँ मेरा स्वभाव बिल्कुल शांत है 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 मेरी लगातार हो रही आध्यात्मिक उन्नति मानसिक शांति के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ मेरी लगातार हो रही आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ लगातार हो रही आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ मुझे हर सवाल का जवाब अपने भीतर से ही मिल जाता है मुझे हर सवाल का जवाब अपने भीतर से ही मिल जाता है खुली आंखों से मैं प्रकृति को देखता हूँ ब्रह्मांड में समा जाता हूं। खुली आंखों से प्रकृति को देखता हूँ बंद आंखों से मैं ब्रह्मांड में समा जाता हूँ खुली आंखों से मैं प्रकृति को देखता हूँ बंद आंखों से मैं ब्रह्मांड में समा जाता हूँ खुली आंखों से मैं प्रकृति को देखता हूँ बंद आंखों से मैं ब्रह्मांड में समा जाता हूँ खुली आंखों से मैं प्रकृति को देखता हूँ बंद आंखों से मैं ब्रह्मांड में समा जाता हूँ खुली आंखों से मैं प्रकृति को देखता हूँ बंद आंखों से मैं ब्रह्मांड में समा जाता हूँ खुली आंखों से मैं प्रकृति को देखता हूँ बंद आंखों से मैं ब्रह्मांड में समा जाता हूँ खुली आंखों से मैं प्रकृति को देखता हूँ से मैं ब्रह्मांड में समा जाता हूँ प्रकृति को देखता हूँ बंद आंखों से मैं ब्रह्मांड में समा जाता हूँ इस अद्भुत एक्सपीरियंस, इस अद्भुत एक्सपीरियंस और ऑपरचुनिटी के लिए मैं हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस अद्भुत एक्सपीरियंस और ऑपरचुनिटी के लिए मैं हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस अद्भुत एक्सपीरियंस और अपॉरचुनिटी के लिए मैं हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस अद्भुत एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी के लिए मैं हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस अद्भुत एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी के लिए मैं हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं इस ब्रह्मांड में, में जितनी इस ब्रह्मांड में जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज मेरे पास भी है इस ब्रह्मांड में जितनी लैंग्वेजेज हैं उतनी लैंग्वेजेज मेरे पास भी हैं इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे पास भी है इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे पास भी है इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे, मेरे पास भी है इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे पास भी है इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे पास भी है इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे पास भी है इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे पास भी है इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे पास भी है इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे पास भी है इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे पास भी है इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे पास भी है इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे पास भी है इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे पास भी है इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे पास भी है इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे पास भी है अपने ज्ञान गया, ज्ञान से मैं अपने ज्ञान से मैं समाज के निर्माण में एक भूमिका निभा पा रहा हूँ अपने इस आध्यात्मिक ज्ञान से मैं समाज के निर्माण में एक भूमिका निभा पा रहा हूँ मैं अपने इस ज्ञान से दूसरों की मदद करना पसंद करता हूँ मैं अपने इस ज्ञान से दूसरों की मदद करना बहुत पसंद करता हूँ मैं अपने इस ज्ञान से दूसरों की मदद करना बहुत पसंद करता हूँ मैं अपने इस ज्ञान से दूसरों की मदद करना बहुत पसंद करता हूँ मैं अपने इस ज्ञान से दूसरों की मदद करना बहुत पसंद करता हूँ मैं अपने इस ज्ञान से दूसरों की मदद करना बहुत पसंद करता हूँ मैं अपने इस ज्ञान से दूसरों की मदद करना बहुत पसंद करता ईश्वर ने, ने मुझे इस बात के लिए चुना ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ ईश्वर ने मुझे इस बात के लिए चुना ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ ईश्वर ने मुझे इस बात के लिए सुना इस काम के लिए चुना उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ ईश्वर ने मुझे इस बात के लिए चुना इस काम के लिए चुना उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे मन में ईश्वर और ब्रह्मांड के लिए हमेशा ही ग्रेटिट्यूट रहता है मेरे मन में ईश्वर की बनाई इस सृष्टि के और ईश्वर के लिए हमेशा ही ग्रेटिट्यूट रहता है मैं सबके प्रति सबके प्रति धन्यवाद का भाव रखता हूँ मैं सबके प्रति धन्यवाद का भाव रखता हूँ मैं

फुलील हूँ मैं फॉरगिवनेस लगातार फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड पे करने से मेरी पेशेंस की पावर और मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है मेरी पेशेंस की पावर बढ़ती जा रही है और मेरा स्वभाव बिल्कुल शांत होता जा रहा है लगातार फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड करने से मेरी पेशेंस पावर बढ़ती चली जा रही है और मन बिल्कुल शांत होता चला जा रहा है मैं अपने मन की शक्तियों का हंड्रेड परसेंट यूज कर पा रहा हूँ मैं अपने मन की शक्तियों का हंड्रेड परसेंट यूज कर पा रहा हूँ मैं अपने मन की शक्तियों का हंड्रेड परसेंट यूज़ कर पा रहा हूँ मैं अपने मन की शक्तियों का हंड्रेड परसेंट यूज़ कर पा रहा हूँ मैं अपने मन की शक्तियों का हंड्रेड परसेंट यूज़ कर पा रहा हूँ मैं अपने मन की शक्तियों का हंड्रेड परसेंट यूज़ कर पा रहा हूँ मैं अपने मन की शक्तियों का हंड्रेड परसेंट यूज़ कर पा रहा हूँ मैं अपने मन की शक्तियों का हंड्रेड परसेंट यूज़ कर पा रहा हूँ मैं अपने मन की शक्तियों हंड्रेड परसेंट यूज कर पा रहा हूँ मुझे खाने की ही तरह मुझे खाने की ही तरह आध्यात्म की भूख लगती है मुझे खाने की ही तरह मेडिटेशन करने की आध्यात्म की भूख लगती है मुझे खाने की ही तरह मेडिटेशन करने की आध्यात्म की भूख लगती है अध्यात्म करना मेरे जीवन का एक हिस्सा है मेरी रूटीन लाइफ का एक हिस्सा है हर रोज मुझे अध्यात्म करना बहुत पसंद है हर रोज मुझे अध्यात्म करना मेडिटेशन करना बहुत पसंद है हर रोज मुझे मेडिटेशन करना बहुत पसंद है हर रोज़ 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 मुझे मेडिटेशन करना बहुत पसंद है ध्यान करते हुए मैं ध्यान में ही खो जाती हूँ ध्यान करते हुए मैं ध्यान में ही खो जाता हूँ ध्यान करते हुए मैं ध्यान में ही खो जाती हूँ ध्यान करते हुए मैं ध्यान में ही खो जाता हूँ ध्यान करते हुए मैं ध्यान में ही खो जाती हूँ ध्यान करते हुए मैं ध्यान में ही खो जाता हूँ ध्यान करते हुए मैं ध्यान करते हुए मैं ध्यान में ही खो जाती हूँ ध्यान, 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 ध्यान करते हुए मुझे ईश्वर की अनुभूति होती है ध्यान करते हुए मैं ईश्वर को अनुभव कर पाता हूँ ध्यान करते हुए मैं ईश्वर की अनुभूति को अनुभव कर पाता हूँ मैं ईश्वर की प्रेजेंस को अनुभव कर पाता हूँ ध्यान करते हुए मैं अपने साथ ईश्वर की प्रेजेंस को अनुभव कर पाता हूँ ध्यान करते हुए मैं अपने साथ ईश्वर की प्रेजेंस को अनुभव कर पाता हूँ ध्यान करते हुए मैं अपने साथ ईश्वर की प्रेजेंस को महसूस कर पाता हूँ ध्यान करते हुए मैं अपने साथ ईश्वर की प्रेजेंस को महसूस कर पाता हूँ ध्यान करते हुए मैं अपने साथ ईश्वर की प्रेजेंस को महसूस कर पाता हूँ ध्यान करते हुए मैं अपने साथ ईश्वर की प्रेजेंस को महसूस कर पाता हूँ ध्यान करना मेरी रोजाना लाइफ का एक हिस्सा है ध्यान करना मेडिटेशन के लिए समय निकालना मेरी रोजाना लाइफ का एक हिस्सा है ध्यान करना मेरी रोजाना लाइफ का एक हिस्सा है मेरी आध्यात्मिक उन्नति मुझे एक स्पिरिचुअल लीडर बना रही है मेरी लगातार हो रही आध्यात्मिक उन्नति मुझे एक स्पिरिचुअल लीडर बना रही है मेरी लगातार हो रही आध्यात्मिक उन्नति मुझे एक स्पिरिचुअल लीडर बना रही है मेरी लगातार हो रही आध्यात्मिक उन्नति मुझे एक स्पिरिचुअल लीडर बना रही है मेरी लगातार हो रही आध्यात्मिक उन्नति मुझे एक स्पिरिचुअल लीडर बना रही है मेरी लगातार हो रही आध्यात्मिक उन्नति मुझे एक स्पिरिचुअल लीडर बना रही है मेरी लगातार हो रही आध्यात्मिक उन्नति मुझे एक स्पिरिचुअल लीडर बना रही है यह ब्रह्मांड मेरा मार्गदर्शन करता है यह ब्रह्मांड मेरा मार्गदर्शन करता है यह ब्रह्मांड मेरा मार्गदर्शन करता है यह ब्रह्मांड हमेशा 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 मेरा मार्गदर्शन करता है और मैं इस प्राकृति से बहुत प्रेम करता हूँ मैं ब्रह्मांड की हर एक चीज से प्राकृति से बहुत, हूं。चीज चीज से, से बहुत प्रेम करता हूँ मैं ब्रह्मांड की हर एक चीज से प्रकृति से बहुत प्रेम करता हूँ मैं ब्रह्मांड की हर एक चीज से प्रकृति से बहुत प्रेम करता हूँ यह सब देने के लिए मैं ईश्वर का और ब्रह्मांड का हमेशा धन्यवाद करता हूँ मैं यह सब देने के लिए मैं ईश्वर का और ब्रह्मांड का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कुछ भी मेरे पास है वो सब देने के लिए मैं हमेशा धन्यवाद का भाव रखता हूँ जो कुछ भी मेरे पास है वो सब देने के लिए मैं हमेशा धन्यवाद का भाव रखता हूँ जो कुछ भी मेरे पास है वो सब देने के लिए हर एक मोमेंट के लिए मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद ओके थैंक यू एवरीवन आप लोग इसी तरीके से पंद्रह से बीस मिनट तक लेटे रहिए उसके बाद आप अपना फेस्टिवल एंजॉय कीजिए रात को सोने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर जरूर से जरूर, जरूर सुनिएगा जिससे कि जितना ज्यादा ये अफर्मेशन आपके माइंड के अंदर रिपीट होंगी जितना ज्यादा ये अफर्मेशन आप सुनेंगे उतना ही ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति की ओर आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड और पिनिल ग्लैंड लेके जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़े रहने के लिए एंजॉय योर स्लीप धन्यवाद थैंक यू सर प्लीज डोंट स्की प्लीज आप लोग म्यूट रखिए बाकी लोग जो सो रहे होंगे उनको डिस्टरबेंस होगी प्लीज शांत रहिए प्लीज शांत रहिए जिन्हें बात करनी है व्हाट्सएप ग्रुप में बात कीजिए मेरी आप लोगों से ऐसी विनती है कृपया शांत रहिए कृपया शांत रहिए